रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नूरी लज़त किचन। जो आज की रेसिपी है रामतिल का पाउडर की रेसिपी है, और रेसिपी इसमें किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, और ये बहुत सारे बीमारियों के लिए भी बहुत सारे इसका तेल भी यूज़ किया जाता है, जो हार्ट अटैक जो भी घंटियाँ वगैरह रहते हैं उन लोगों के लिए। इस तरह से बताती रहती हूँ, दरमियान में आप एक बार क्लिप देख लीजिए है रामतिल किस तरह से रहती है। चंद लोगों को मालूम भी रहती है, चंद लोगों को मालूम भी नहीं रहती है, उसलिए मैं थोड़ा एक गौर से आप इसे देख लीजिए। बहुत ही हेल्दी है और बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। और एक मोटा सा पैन लेंगे। मोटा सा पैन में हमें क्या करेंगे, इसको अच्छे लो फ्लेम में हमें ठीक तरह से इसे भूनना है। भूनने का बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट है, इसकी खुशबू ही बहुत ही बढ़िया सी आती है। और जो भी इसके मैं बेनिफिट्स आपको बताया था, ज़रूर से आपको ये बेनिफिट्स सुनेंगे तो आप ज़रूर से ला के ट्राई कर सकते हैं। जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, और जो नहीं मालूम है उन लोगों भी ट्राई करिए ज़रूर से। चलिए दोस्तों, इसको फाइनली हमें भून लेना है। इस तरह से हम इसमें भून लेंगे, इस तरह से प्रेस कर लीजिए, भूनते जाइए। आपको भी पता होगा जो छोप बारीक वाली चीज़ आप खशखश वगैरह भूनते हैं, उसी टाइप में हमें रामतिल को भी भून लेंगे। आपको इजी से ग्रॉसरी आइटम में ये मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं आगे आगे इसके रेसिपीज लेकर आऊँगी, बहुत ही बढ़िया सी रेसिपीज है, और सादी सीधी सिंपल सी रेसिपी लेकिन हेल्दी की भी है, टेस्टी भी है। ये तो बिल्कुल रेडी है, और इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे। फाइनली हमें ठंडे को छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे पाउडर बनाना है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, थोड़ा हमें नमक ओनली ऐड करेंगे। इसके भूनने के बाद आपको पता चलेगा, इसकी चटचटा की आवाज़ आएगी जब भी आप निकालना है बिल्कुल से। उसके बाद है ये नेक्स्ट है, इसे हमें पाउडर बना लेंगे जो मिक्सी जार में डाल के। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमें इसे प्रोसेस है पाउडर बनाने का। आगे आगे आपको बताऊंगी जिन जिन चीज रेसिपीज़ में इसे यूज़ किया जाता है। मैं सारे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी बीन्स की सब्ज़ी के साथ। उसके बाद है हमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे, इसे पाउडर बना लेंगे। और स्टोरेज करने का तरीका भी यह है, जो भी आप कंटेनर लीजिए उसमें स्टोर करके इजी से आप फ्रिज में रख सकते हैं, 2 या 3 मंथ के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो फाइनली रेडी हो चुका है। नेक्स्ट है इसे हमें स्टोर करने का भी तरीका आपको बताया है, वही कंटिन्यू करें। और इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, और जो भी है इसके बेनिफिट्स आप जान चुके हैं, लेकिन हेल्थ के लिए तो बहुत ही बढ़िया सा है। ज़रूर से ट्राई करें और घरों में इसका यूज़ ज़रूर से करें। बहुत ही ओल्ड रेसिपीज है, पहले बहुत ही इसे यूज़ किया जाता था, जो इन दिनों में इसे बहुत ही रेयर कम यूज़ किया जा रहा है। आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। जो आज की मेरी रेसिपी ज़रूर से आपको पसंद आई होगी, मैं स्टोरेज करने का भी आपको बता रही हूँ। आई होगी तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।